तो चलो प्यारे बच्चों, अगर इस वाले सवाल को देखोगे, एक अच्छा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर तुम देखोगे यहाँ पे, तो ये कहा जा रहा है कि ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल है, जो मास यहाँ पे दिया हुआ है वो 5 kg ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, 5 kg का मास है, एक्स वाई प्लेन में मूव करा, और पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ पोजिशन एक्स एंड वाई यहाँ पे दिया हुआ है एन एक्स वाई मीटर। इफ़ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन देन स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 2 सेकेंड। मतलब जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो होगी, ओरिजिन से स्टार्ट होता है तो समय ज़ीरो होगा, तो ये कहते हैं जब समय बीत चुका होगा 2 सेकेंड तो उसकी स्पीड कितनी होगी। तो देखो, अगर तुम देखोगे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 2 डायमेंशन में वेरी कर रहा है, तो भाई उसका जो फोर्स है उसको मैं पहले निकाल लेता हूँ। तो जो फोर्स होता है वो भी 2 डायमेंशनल अगर लग रहा होगा, तो याद करो हम लोग कैसे करते थे, फोर्स अगर एक्स एक्सिस में लिखते थे तो इज इक्वल टू माइनस डी यू ओवर डी एक्स आई कैप लिखते थे, फोर्स अगर वाई एक्सिस में लिखते थे तो ऐसे लिखते थे माइनस डी यू ओवर डी वाई दैट इज जे कैप, ऐसे लिखते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स अगर एक्स एक्सिस में लिखना है तो इसको मैं एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करता हूँ। तो अगर मैं इसको एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करूँ तो एक्स एक्सिस में फोर्स माइनस डी ओवर डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ माइनस 7x और प्लस 24y। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये आ जाएगा प्लस 7i कैप, तो प्लस 7i क्योंकि इसका डेरिवेटिव 24y का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में ज़ीरो हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस में फोर्स उस पर इतना लग रहा होगा इन जनरल, और जो वाई एक्सिस में जो फोर्स लग रहा है उसको निकाल लो। तो वाई एक्सिस में अगर जो फोर्स निकालोगे तो वाई एक्सिस में जो फोर्स आ रहा होगा वो माइनस डी ओवर डी वाई, और यहाँ से वैल्यू डाल दोगे तो माइनस 7x और यहाँ से 24y ये वाली। तो ये वाली जो चीज़ है यहाँ से इसका डेरिवेटिव ये ज़ीरो चला गया और ये माइनस 24 यहाँ से y के रिस्पेक्ट में, तो 24 यहाँ से z कैप आ जाएगा। तो जो y एक्सिस में जो फोर्स आ जाएगा वो इतना आ जाएगा। तो पार्टिकल पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो इन दोनों वेक्टर का x एक्सिस और फोर्स प्लस y एक्सिस का सम लग रहा होगा वेक्टर रिजल्टेंट, तो प्लस 7i कैप और यहाँ से माइनस 24j कैप। दिस इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, जो कि एक कांस्टेंट फोर्स आ रहा है। तो अगर कांस्टेंट फोर्स आ रहा तो पार्टिकल का एक्सलेशन भी तो कांस्टेंट होगा, और उस एक्सलेशन की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स अगर तुम देखोगे तो 1/5 यहाँ से, और तुम यहाँ से देखोगे ये आ जाएगा 7i कैप और यहाँ से 24j कैप, ठीक है ना, ये वाली चीज़। तो दिस इज़ द एक्सलेशन ऑफ द पार्टिकल। अगर यहाँ से बच्चों एक्सलेशन आ गया, तो अगर तुम देखोगे हमें वेलोसिटी चाहिए तो मैं क्या इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूँ, ठीक है ना, बिल्कुल लगा सकते हो जब एक्सलेशन कांस्टेंट हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यू की वैल्यू ज़ीरो है, क्योंकि जब टाइम ज़ीरो था तो रेस्ट से चला था, तो वेलोसिटी जो वेक्टर फॉर्म में आ जाएगी वो एक्सलेशन ए और मल्टीप्लाइड बाय टाइम 2, तो यहाँ से आ जाएगा 2/5 यहाँ से 7i कैप और माइनस 24j कैप। दिस इज़ द वेलोसिटी वेक्टर आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ द पार्टिकल, बट जो सोल्यूशन है वो स्केलर में दिया है। तो मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ, वी मॉड जो आ जाएगा वो वी मॉड उसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2/5 ऐसे रहने दो, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है ना। तो यह आ जाएगा 2/5 और 7 का स्क्वायर तुम यहाँ से देखोगे 49, ठीक है ना, 49 और ये 24, तो ये आ जाएगा पूरा आ जाएगा ये 25। तो ये 25 मतलब ये 5 मतलब ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा होगा 2 सेकंड बाद। मतलब कुल मिला के तुम देखोगे डी ऑप्शन यहाँ से मैच कर जाता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखो। काफ़ी टाइम हो गया बच्चों, 3 बज रहा रात के, तो अपना बहुत ख्याल रखो, मोटिवेटेड रखो अपने आप को, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कल बनाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।